ये जो पुल कब से शुरू हुआ? 2014 में। तो अभी हमें अगवानी पुल के ऊपर, और दोस्तों पुल गिरने की वजह जो थी अभी हम आपको बताते हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं अगवानी पुल को देखने, कहां तक काम हुआ और कब तक में बनके तैयार होगा सारा जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इससे पहले भी कई सारी वीडियो बनाए हुए हैं पुल के ऊपर, चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। अभी हमें अगवानी पुल के ऊपर, और अभी देख सकते हैं कि इधर पुल का काम अभी हो रहा है और बीच में ज्वाइंट करना भी बाकी है। पर्वता तरफ से जो उधर से पुल आ रही है उधर का काम कंप्लीट हो चुका है। पुल वगैरह जो है ना, वो रोड वगैरह भी बन चुका है और आप देख सकते हैं रेलिंग वगैरह भी लगा दिया गया है। इधर जो बीच में ज्वाइंट करना बाकी है पुल का, और सुल्तानगंज तरफ से जो पुल आ रहा है उधर से भी लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, बस बीच में ज्वाइंट करना बाकी है। अगर बीच में ज्वाइंट हो जाएगा उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुल लगभग तैयार हो जाएगा और 2-3 साल के अंदर ये पुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अभी हम जाएंगे और यहाँ काम कर रहे लोगों से पूछेंगे कि कितना समय और लगेगा इस पुल को तैयार होने में। हाँ तो बताइए आपका नाम क्या है सबसे पहले? राम रतन सिंह। और आप ये क्या चीज़ का काम करते हैं यहाँ पे? गार्ड के काम करते हैं। अच्छा, गार्ड आपका घर यहीं पे है? नहीं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी है। 7 किलोमीटर दूर यहाँ, मतलब कि पर्वत्ता पर्वत्ता है ना। अच्छा ये बताइए जो पुल कब से शुरू हुआ? 2014 में। कब तक में हो जाएगा? 25 से कम नहीं लगेगा। 25 से कम नहीं? कहाँ है ऐसा, कहाँ है मतलब कि है? कुछ कोरोना में गया, कुछ मारपीट में गया, कुछ गिर पड़ा हवा में पुल। अच्छा हाँ, हवा में भी सुने थे कि हवा में पुल गिर गया, ये सच बात है? मतलब कैसे हवा में कैसे गिर सकता है पुल, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अरे नक्सी नहीं लगाया, गिर पड़ा तो मीडिया उछल। अच्छा, सबसे मेन मतलब मुद्दा ये है कि नक्सी ने लगाया, नहीं लगाया। अच्छे से बना, हाँ। इस वजह से लोग कह दिया कि हवा में गिर गया, गिर गया। हाँ। तो अभी गार्ड साहब से बात किए तो उन्होंने कहा कि 2025 तक जो है ना पुल का काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो भी कंफर्म नहीं है, हो जाएगा पता नहीं क्या होगा आगे। ये देख सकते हैं कि पीछे में जो है रोड बन चुका है, मतलब कि अभी आधा ही रोड बना है, बाकी बनेगा पुल पूरा बनने के बाद। दोस्तों पुल गिरने की वजह जो थी अभी हम आपको बताते हैं। पुल गिरने की जो वजह थी, जो आप पीछे में पाइप जो देख रहे हैं मोटा जैसा, इसके अंदर एक मोटा सा वायर लगा हुआ है, उसको जो है ना वर्कर लोग कसने में थोड़ा ढीला छोड़ दिया था, जिस वजह से अच्छी तरह से कसाया नहीं पुल, और इस वजह से पुल ज़्यादा आंधी आया उस दिन और इस वजह से पुल गिर गया। अब देख सकते हैं कि पीछे में जो काम अभी लास्ट पोर्शन पे आए हैं, यहाँ जो है ना यहाँ से पुल लास्ट होता है, बीच में अभी लगाना बाकी, जो फ्रेम होता है पुल का वो अभी लगाना बाकी है, और इस बीच में जो लग जाएगा फ्रेम उसके बाद जॉइंट हो जाएगा। इधर से उधर हम जा सकते हैं, अभी देख सकते हैं कि पीछे आ चुके हैं, एकदम बीच में आ चुके हैं, पुल जो है ना नदी के बीच में आ चुके हैं, इतना दूर पुल बन चुका है। दोस्तों ये पुल का जो है ना लास्ट पोर्शन है, यहाँ पे जो है ना बीच में ज्वाइंट करना अभी बाकी है, और यहाँ तक पुल का काम हो चुका है, अभी इधर काम ही चल रहा है। अभी वर्कर लोग छुट्टी पे गए हैं, शायद जिसका नाइट ड्यूटी हो वो लोग आएंगे। एक लड़का देखो घुसा हुआ है इसके अंदर, क्या है रे? दिखाओ थोड़ा सा अंदर जाके। दोस्तों अभी जो है ना इसके अंदर एक लड़का घुस रहा है, अभी देखते हैं, दिखाते हैं आपको इसके अंदर आखिर में है क्या। चल। गाइस आज का ब्लॉग जो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।